Hello students, very good afternoon to one and all. In this video lecture, we will discuss about the structure and functions of carbohydrate. This whole topic is divided into two parts. The first part is related with the basics of carbohydrate, their classification, and with the monosaccharides. And the second part is related with the disaccharides and polysaccharides. So, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को के बेसिक्स को देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपके हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जैसे कि अगर हम इसके जो इसका जो वर्ड है अगर हम उसको उसको हम डिवाइड करें दो पार्ट्स में तो इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और वी कैन से दैट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कीटोन कीटोन्स या एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन दैट इज एसोसिएटेड विद आइदर सी एच ओ ग्रुप और सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप. दोनों ही क्या होते हैं, आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं. तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपका मार्जिन पे है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका सी एच ओ होगा. लेकिन अगर मार्जिन पे नहीं होके यानी बोथ एंड्स पे नहीं होके अगर ये सेंटर में कहीं पे है तो ये क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा यानी कीटोन ग्रुप होगा. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एसोसिएटेड विद वेरियस और इन्हें मोर देन वन ओ एच ग्रुप के साथ अगर एसोसिएटेड होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला देखते हैं तो दिस इज अ सी एच टू ओ, ठीक है. तो यहाँ पे सी एच और ओ अगर इनके हम रेशो की बात करते हैं तो दिस इज वन टू 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 वन, ठीक है. इसके अलावा कई कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर ये ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ. लाइक अगर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे तो सेल्यूलोज होता है. सेल्यूलोज आपका वुड में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल. ईच ईयर फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स मोर देन 100 बिलियन बिलियन मेट्रिक टन ऑफ सी ओ टू एंड एच टू इन टू द सेल्यूलोज एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स. सर्टन कार्बोहाइड्रेट्स जो होते, अच्छा इनके फंक्शन की बात करते हैं तो दे आर परफॉर्मिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस. लाइक दे कैन बी यूज एज अ डाइजेस्ट एप्पल. They can be used as a structural and protective element in the cell wall of bacteria, in the cell wall of animals, and in the cell wall of plants and other organisms. Like microorganisms में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है. कार्बोहाइड्रेट प्रोटेक्शन कैसे करता है, दिस इज समवॉट रिलेटेड विद द सेल बायोलॉजी. वहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, लाइक आपको मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है तो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. इसके अलावा आप किसी भी न्यूक्लियोटाइड अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट को अटैच करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव फंक्शन. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है स्केलेटल जॉइंट्स में. इसके अलावा रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, एडिशन मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है, ठीक है, सिग्नल की तरह वर्क करता है. तो ये सारा पोर्शन जो होता है इसको डिटेल में हम सेल बायोलॉजी में देखते हैं कि किस तरह से ये वहाँ पे सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं या सेल एडिशन मॉलिक्यूल में वर्क करते हैं. यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए इन द एज फार एज कंसर्न विद द बायोकेमिस्ट्री कि कार्बोहाइड्रेट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका बेसिक कॉम्पोजिशन क्या रहता है और उनके जो मेन फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं इसमें. नाउ अगेन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये आपके मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. डिपेंड कि कितने कार्बन नंबर से ये बना है, ठीक है. तो कितने कार्बन हैं या कितने आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप उसमें अटैच्ड हैं तो इसको हम मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स में डिवाइड करते हैं. तो सेकेराइड मीन्स क्या होता है, इट्स मीन्स शुगर. मोनोसेकेराइड या सिंपल शुगर जो होती है उसमें क्या होता है, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. एंड मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड जिसे हम जानते हैं, हम जब भी कार्बोहाइड्रेट मीन्स हम उसको क्या समझते हैं, ग्लूकोज, ठीक है. तो ग्लूकोज जो होते हैं दैट इज द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड एंड समटाइम रेफर टू एज डेक्स्ट्रोज. ऑलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप या मोनोसेकेराइड्स की जो यूनिट होती हैं, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स यूनिट के पॉलीमराइजेशन से आप कह सकते हैं कि आपके मोनोसेकेराइड्स ऑलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन है. तो ऑलिगोसेकेराइड में लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 20 आपके मोनोसेकेराइड यूनिट्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑलिगोसेकेराइड कहेंगे. और मोर देन 20 होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज द पॉलीसेकेराइड यूनिट.
ठीक है। डाइसेकेराइड्स में बेसिकली आपके सुक्रोज और केन शुगर आती है, जिसमें आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। यानी ओलिगोसेकेराइड में 20 से कम होते हैं, लेकिन बेसिकली जो आप ओलिगोसेकेराइड उसमें हम डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स इस तरह से ले सकते हैं। तो अप टू 20 कार्बन तक चलेगा वो, अप टू 20 कार्बन ग्रुप कंटेनिंग OH ग्रुप। इसमें हम बेसिकली डाइसेकेराइड्स को हम डिटेल में लेंगे, बहुत सारे हमने डाइसेकेराइड्स देखे हैं कि तो किन किन के कॉम्बिनेशन से वो बने हुए होते हैं। मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स का जो सफिक्स होता है उसमें हम ओज यूज करते हैं। मोस्ट सेल्स में ओलिगोसेकेराइड्स जो होती हैं वो 3 or more यूनिट डू नॉट अकर एज अ फ्री एंटिटी बट जॉइंट एज अ नॉन शुगर मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोकंजुगेट्स। देखिए ग्लाइकोकंजुगेट्स को भी मैंने डिटेल में लास्ट में सेकंड पार्ट में आप इसको समझेंगे कि ग्लाइकोकंजुगेट्स क्या होते हैं। ग्लाइकोकंजुगेट्स मतलब अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को किसी अदर बायो मॉलिक्यूल्स के साथ एसोशिएट कर दिया, अदर बायो मॉलिक्यूल्स में मेरा रेफरेंस है प्रोटीन के साथ एसोशिएट किया है, लिपिड के साथ एसोशिएट किया है, या किसी और मॉलिक्यूल के साथ एसोशिएट किया। तो ग्लाइकोप्रोटीन जैसे शब्द आपने सुने होंगे, ग्लाइकोलिपिड सुने होंगे, तो ये सभी क्या होते हैं आपके ग्लाइको कंजुगेट्स में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो पॉलीमर्स भी होते हैं, कई रेंज में प्रेजेंट होते हैं, और मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं ये मोर देन 20 होंगे तो हम इसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड में 100 से 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें अगर आप एग्जांपल की बात करते हो, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स दैट आर वेरी एसेंशियल टू परफॉर्मिंग वेरियस एसेंशियल फंक्शंस इन आर सेल इन आर बॉडी। लाइक बेसिकली आपके ये प्रोटेक्शन और जो हमने डाइटरी स्टेपल की बात की थी वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो डाइटरी पॉलीसेकेराइड्स में आपके जो डाइट से रिलेटेड होते हैं दीज आर द स्टार्च, ग्लाइकोजन, और आपके प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो सेल्यूलोज की बात करेंगे हम, काइटिन की बात करेंगे। ये हमने सारा नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पार्ट टू है उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज स्टार्च, सेल्यूलोज बोथ कंसिस्ट ऑफ रीअकरिंग यूनिट ऑफ द डी ग्लूकोज, ठीक है, बट दे डिफर इन द टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सारा एक्चुअल में हम अभी मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हेयर, दिस वीडियो लेक्चर इज एक्चुअली रिलेटेड विद द बेसिक्स ऑफ बाइक कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। तो सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें विच आर कंटेनिंग वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 6 कार्बन मोनोसेकेराइड्स। अच्छा, यहाँ पे आप कार्बन के अकॉर्डिंग फिर इनकी नंबरिंग अलग हो जाती है, इनका नोमेनक्लेचर अलग हो जाता है। कार्बन नंबर 4, 5, 6 इस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे किरेल सेंटर, ठीक है। किरियल सेंटर एक्चुअली आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको इसके बारे में पता होगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं किरियल सेंटर्स क्या होते हैं। तो किरियल सेंटर या किरियल कार्बन की अगर हम बात करें तो ये वो कार्बन होते हैं जिनकी वैलेंसीज, हमें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो सभी वैलेंसीज, ऑल द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद द डिफरेंट ग्रुप्स। यानी सी के एक सी है उस पर आपने अगर 4 जगह पे अलग अलग तरीके के ग्रुप बनाए हुए हैं तो दैट इज नोन एज अ किरियल कार्बन, ठीक है। और इस किरेलिटी की वजह से इनके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इफ कार्बोनिल ग्रुप, अच्छा मोनोसेकेराइड्स कैसे होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए कि बायोकेमिस्ट्री के शब्द में या हम कहीं भी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमेशा लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल क्या होता है कि एक जैसी मॉलिक्यूल जिनकी क्वालिटी, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है, जो भी आप जिसमें भी आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो, जो भी सॉल्यूट है आपका, जो भी सॉल्वेंट है जिसमें आप उसको डाल रहे हो, वो आपकी दोनों की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। लाइक हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में आपके OH ग्रुप हैं, यानी ये कैसा है आपका पोलर कंपाउंड है, तो पोलर कंपाउंड हमेशा पोलर सोल्यूशन में ही जाएंगे, ठीक है। नॉन पोलर सोल्यूशन में ये नहीं जाएंगे, यानी लिपिड्स वगैरह में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, जो भी एक्वस सॉल्यूशंस होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल होगा। ये हम बात कर चुके हैं पहले, इफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एट एंड ऑफ द कार्बन चेन द मोनोसेकेराइड्स इज एन एल्डोज, एंड इफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एट अनादर पोजिशन तो इसमें क्या होगा, ये कीटोजिस होंगे। इसके जब हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे मोनोसेकेराइड्स के तो वहां पे आपके ये डाउट्स क्लियर होंगे। मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड में जितने सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड्स आर द 2, 3 कार्बन,
टू और थ्री कार्बन में हम बात कर लेते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड, जो कि आपका क्या है, एल्डो ट्रायोज है, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कीटो ट्रायोज है, यानी तीन कार्बन एटम की हमने बात की है। तीन कार्बन एटम में अगर CO2 ग्रुप है तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्लिसरेल्डिहाइड, और अगर तीन कार्बन एटम में ही आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कीटो ट्रायोज कहेंगे। मोनोसैकेराइड विद 4, 5 एंड 6 एंड 7 कार्बन एटम इन देयर बैकबोन आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस एंड हेप्टोजेस। These are aldoses and ketoses of each of these chain length, aldo tetroses, keto tetroses and so on, aldo pentoses, keto pentoses and so on. The hexoses which include the aldo hexoses D glucose and keto hexoses D fructose are the most common monosaccharide in nature. अगर हम ketoses की बात करते हैं तो fructose well known example of monosaccharide, और अगर हम aldose की बात करते हैं तो डी ग्लूकोज इज अगेन वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। ये शब्द आपने बहुत बार सुने हुए हैं, लाइक दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव मोनोसेकेराइड, जिसे हम एक नॉर्मल वे में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द डी ग्लूकोज एंड सेकेंड इज द डी फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज इज द एल्डो हेक्सोजेस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टर्मिनल ग्रुप पे सी एच ओ ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटो हेक्सोजेस में आप देख पा रहे हैं सेकेंड कार्बन जो है उसमें आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। इसी तरह से ग्लिसरेल्डिहाइड, ये तीन कार्बन का है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके सिक्स कार्बन के हैं, तो ग्लिसरेल्डिहाइड आपके थ्री कार्बन का है जिसमें कि आपका सी एच ओ ग्रुप है, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें आपके थ्री कार्बन का ही कीटोजेस हैं जिसमें आपके सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, यानी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। एसिमेट्रिक कार्बन की हमने पहले बात की थी कि एसिमेट्रिक कार्बन आपके क्या होते हैं, किरेल सेंटर्स, लेट मी मिनिमाइज इट, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। एक बार मैं वापस से आपको पुराने स्लाइड में दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी एक भी किरेल ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्लिसरेल्डिहाइड में आपका एक किरेल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे हमने जो ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मोस्टली जो कार्बन होते हैं उसमें कम से कम एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है, और एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होने का मतलब है कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, आइसोमेरिक फॉर्म्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। सिंपलेस्ट एल्डोजेस जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड, हम थ्री कार्बन से शुरू करते हैं, थ्री कार्बन, फोर कार्बन एंड फाइव कार्बन एंड सिक्स कार्बन, इतने कार्बन को हम लेकर के चलेंगे। कंटेन ग्लिसरेल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक किरेल सेंटर प्रेजेंट होता है, एंड देयरफॉर, अच्छा एक किरेल सेंटर होगा तो उसके कितने फॉर्म्स होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है कि इन जनरल ए मॉलिक्यूल विद एन किरेल सेंटर, तो उनमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, टू की पावर एन, ठीक है, टू की पावर एन। तो जितने आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उस वो उतने ही पावर में चला जाएगा टू के, ठीक है। तो इस तरह से हम किरेल सेंटर के बेस पे इनके आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्लिसरेल्डिहाइड जो है इनके एक किरेल सेंटर होता है तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर किसी में किरेल सेंटर फोर है तो 16 स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी और एल की। अभी हमने बात की थी कि डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लिसरेल्डिहाइड या डी हाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट। तो डी और एल शब्द का क्या मतलब होता है, ये बेसिकली आपके किसी एक कार्बन के रेफरेंस में बात की जाती है। रेफरेंस हम लेते हैं इसमें जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, उस कार्बोनिल कंपाउंड से सबसे फादेस्ट पोजीशन पे जो भी आपका किरेल कार्बन प्रेजेंट है उसके रेफरेंस में बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन चेन लेंथ जो है ये डिवाइड की जाती है मोस्ट डिस्टेंट किरेल सेंटर फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने फोर कार्बन पे दिया हुआ है, फोर कार्बन में आपका जो किरेल सेंटर है दैट इज ऑन द थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन वाला जो सी है और फर्स्ट वाला जो सी है, फर्स्ट जो सी है वो आपके सी एच ओ ग्रुप है, ठीक है। तो इस कार्बन के रेफरेंस में हम डी या एल की बात करेंगे। ग्लिसरेल्डिहाइड को हम आइडियल मानते हैं और बाकी जितने भी कार्बन्स होंगे
उनमें हमें देखेंगे कि ग्लिसरेडिहाइड के रेफरेंस में सेम है या ग्लिसरेडिहाइड के रेफरेंस में अपोजिट है। अगर OH आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो हम इसे डी कहेंगे, डी डी फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, और अगर OH ग्रुप जो है ये आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, एल फॉर्म कहेंगे। सॉरी आई वॉज रॉन्ग, एक्चुअली इन राइट साइड में अगर प्रेजेंट होगा तो हम इसे डी कहेंगे और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो हम इसे एल आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें डी फॉर्म और एल फॉर्म का ध्यान में रखना होता है। मोस्टली जो आपके फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं दीज आर द डी फॉर्म्स, कार्बोहाइड्रेट में आपके डी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, जब हम प्रोटीन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम डी और एल को ही बात करेंगे, वहाँ पे डी और एल भी इन रेफरेंस ग्लिसरेडिहाइड होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी आपको डी और एल ग्लिसरेडिहाइड के फॉर्म में याद रखना है। डी ग्लिसरेडिहाइड में आपका डी ग्लिसरेडिहाइड तब कहेंगे जब आपका OH जो है वो आपके इसमें राइट साइड में प्रेजेंट है, और अगर लेफ्ट साइड में है तो हम इसे क्या कहेंगे, एल कहेंगे। प्रोटीन में जब हम मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे डी और एल फॉर्म्स, तो वहाँ पे भी हम ग्लिसरेडिहाइड का रेफरेंस याद रखेंगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली डी फॉर्म्स होती हैं और प्रोटीन में आपके बेसिकली एल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री कार्बन में हम बात करेंगे ग्लिसरेडिहाइड, फोर कार्बन में आपके इरिथ्रोज एंड थ्रियोजिस। ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद होने चाहिए। थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन में आपके आते हैं राइबोज, एरबिनोज, जाइलोज एंड लाइजोज। इन सिक्स कार्बन में आपके आते हैं एलोज, एल्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आइडोज, गैलेक्टोज एंड ट्रेलोज। इसमें भी आपके बेसिकली ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं, और इनको हम डाइसेक्राइड के फॉर्मेशन में भी देखेंगे कि इन्हीं से आप डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन था। ग्लूकोज विल आइदर कंबाइन विद द गैलेक्टोज और ग्लूकोज आइदर विल बी कनेक्टेड विद द फ्रक्टोज। इस तरह से आपके डाइसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। कीटोसिस में अगर हम थ्री कार्बन की बात करते हैं तो एग्जांपल आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है, और फोर कार्बन में अगर हम बात करते हैं तो इरिथ्रोलोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं एंड, वहाँ पे हम ओज यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम ओज यूज करते हैं लेकिन ल की साउंड आती है। ठीक है, उलोज, इरिथ्रोलोज। फाइव कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो राइबुलोज एंड जाइलुलोज, एंड सिक्स कार्बन में आप क्या आ जाते हैं, साइकोज, फ्रक्टोज, सोरबोज एंड टेक्टोज। All these are the major examples. और आपके ये आपके थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन एंड सिक्स कार्बन, आपके किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को ले लीजिए, इससे बियॉन्ड नहीं पूछा जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स अगर आप अभी याद करेंगे तो आपको आगे तक बेनिफिट होगा इसका। जो भी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, नेट वगैरह का जो भी आप एग्जाम फेस करते हैं, उसमें इससे बियॉन्ड कार्बन नंबर नहीं पूछा जाता। एक टर्म आती है एपिमर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये। तो एपिमर्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन एटम सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम के कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है, मैनोज लिखा हुआ है एंड गैलेक्टोज लिखा हुआ है। अगर हम इनको ढंग से देखते हैं, ग्लूकोज और मैनोज का अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सी टू पोजिशन, कार्बन नंबर टू में जो कॉन्फ़िगरेशन है OH का, वो डिफर है। ठीक है, डी ग्लूकोज में ये OH साइड में प्रेजेंट है, जबकि आपके डी मैनोज में ये आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो सिर्फ अगर एक कार्बन के रेफरेंस में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है दो शुगर का, तो हम इसे क्या कहेंगे, एपिमर्स शुगर। इसी तरह से हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अगर कंपेयर करते हैं तो ये क्या होते हैं, फोर्थ नंबर कार्बन में इनमें कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द सी फोर एपिमर्स, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपिमर ऑफ सी टू। ठीक है, तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू अगेन। नाउ एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट ऐसे लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते, जैसे कि हमने अभी देखे हैं फोर कार्बन, फाइव कार्बन, सिक्स कार्बन जो हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन में आप लेके जाएंगे तो ये इस तरह से प्रेजेंट नहीं होते, एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो साइकिल कैसे बनता है स्ट्रक्चर का, आपके एल्डिहाइड यानी आपके जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल जो ग्रुप प्रेजेंट है उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं और एक साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। ये भी आप अपनी केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ते हैं, हैमी एसिटाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, हैमी कीटेल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड अल्कोहल का अगर रिएक्शन होगा तो हैमी एसिटाइल का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन और अगर अल्कोहल बनेगा तो हैमी कीटेल का फॉर्मेशन होगा। राइट, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, यहाँ पे मैंने पूरा आज को रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे ये नहीं पूछा जाता, बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट यू हैव टू बी नो।
अगेन यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि यहाँ पे हेमी एसिटल एंड हेमी कीटेल जो कार्बन कंपाउंड होते हैं दे आर नोन एज एक्चुअली एनमेरिक कार्बन। जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हेमी एसिटल या कार्बोनिल का एटम जो है वो उसको आप क्या कहेंगे, एनमेरिक कार्बन कहेंगे। मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट आपको शो करती हूँ। रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन्स टू फॉर्म डेरिवेटिव्स कॉल्ड हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल विच कंटेन एन एडिशनल एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड दस कैन बी एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो एसिमेरिक फॉर्म्स एल्फा एंड बीटा। ठीक है, अभी तक हमने डी फॉर्म और एल फॉर्म की बात की थी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो उसकी वजह से एक और एसिमेट्रिक कार्बन का फॉर्मेशन होता है। देखिए एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ही क्या होता है, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो हेमी एसिटिल या हेमी कीटेल के फॉर्मेशन की वजह से जो आपके एडिशनल एक एसिमेट्रिक कार्बन बनता है उसकी वजह से एडिशनल स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स का प्रोडक्शन होता है और इनको हम क्या कहते हैं, एल्फा एंड बीटा। किरियल सेंटर की वजह से जो हमारी बनी थी उन्हें हमने डी और एल कहा था, यहाँ पे ये जो बन रहा है इसे हम एल्फा एंड बीटा कहते हैं। ठीक है, एल्फा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ओएच ग्रुप जो होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा लेट इसको बताती हूँ। आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ द मोनोसेकेराइड दैट डिफर ओनली इन देयर कॉन्फिगरेशन अबाउट हेमी एसिटिल एंड हेमी कीटेल आर नोन एज एनोमर्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमने इसको स्टीरियो आइसोमर्स कहा था, दीज आर ऑल्सो स्टीरियो आइसोमर्स बट दीज आर एनोमर्स। वहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन के रिलेशन में था तो हमने एपिमर शब्द यूज़ किया था, यहाँ पे आपके जो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती है हेमी एसिटिल और हेमी कीटिल में उसे हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। एंड जो हेमी एसिटिल या कार्बोनिल कार्बन होता है उसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो एल्फा एंड बीटा एनोमर्स जो होते हैं डी ग्लूकोज के, ठीक है, किसी भी आपने सोल्यूशन में ग्लूकोज को डाला तो उसमें क्या हुआ, आपके हेमी एसिटिल एंड हेमी कीटिल बने। अब ये हेमी एसिटिल एंड हेमी कीटिल दो फॉर्म्स में हो सकते हैं, आइदर विल बी इन एल्फा और इन द बीटा। तो जब आप सोल्यूशन में डालते हो तो ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा अल्फा है या ऐसा नहीं होता सारा बीटा है, इनका कुछ कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो दस अ सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज एंड अ सोल्यूशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इवेंचुअली फॉर्म द आइडेंटिकल इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैविंग आइडेंटिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अल्फा एंड बीटा की सिमिलर होती है। दिस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1/3 ऑफ डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज कितना होगा आपका 1/3 होगा, बीटा डी ग्लूकोज कितना होगा आपका 2/3 होगा और कुछ अमाउंट में लीनियर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा। द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ अ जनरल रिएक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड और कीटोन एंड द एल्कोहल टू फॉर्म द डेरिवेटिव्स कॉल्ड हेमी एसिटिल हेमी कीटिल विच कंटेन एन एडिशनल एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड दस कैन एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स। ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज कंसिस्ट एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन एज एन इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटिल इन विच फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द C5 हैज रिएक्टेड विद एन एल्डिहाइडिक C1। ये यहाँ पे शो किया हुआ है कि किस तरह से ये हेमी एसिटिल और हेमी कीटिल का फॉर्मेशन होता है, rendering the latter later asymmetric and producing two stereoisomers designated as alpha and beta. ठीक है, now I am coming to the previous slide. ठीक है, तो ये जो हमने एक linear form में देखा था structure जो हम aqueous में नहीं देख रहे थे, ठीक है, वहां पे हम एक linear structure में देख रहे थे, that is known as Fischer projection. ये जो हमने स्लाइड, ये जो हमने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा है दिस इज इन द फिशर फॉर्म। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा, अल्फा में क्या होगा आपका ओएच ग्रुप जो है एनोमेरिक सेंटर पे जो प्रेजेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन या इसकी पोजीशन जो है वो आपके ओएच ग्रुप जो कि आप बात करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप से जो सबसे दूर आपका किरेल सेंटर है उसमें जो ओएच की पोजीशन है। देखिए एक आपके कार्बन मॉलिक्यूल, एक आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा किरेल सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम किस किरेल सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, हम उस किरेल सेंटर को सेलेक्ट करेंगे जो कार्बोनिल कार्बन से सबसे ज्यादा दूर होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूर अगर है उसकी पोजिशन और आपका जो एनोमेरिक सेंटर पे जो एल्फा ग्रुप है उसमें ओएच की पोजिशन अगर सेम है तो हम इसे कहेंगे एल्फा और अगर ओएच की पोजीशन डिफरेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, बीटा। अगेन इसको मैं रिपीट करती हूँ, हम यहाँ पे ओएच की पोजीशन को कंसीडर कर रहे हैं। ओएच की पोजीशन हम किस में देख रहे हैं,
फिशर प्रोजेक्शन जो आपका लीनियर ग्रुप में था, एक हम पढ़ेंगे हार्वर्थ प्रोजेक्शन जो आपके साइक्लिक फॉर्म में बनती है। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, लीनियर फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म को कंपेयर कर रहे हो। दोनों में ही जो आपके ये डी या एल या एल्फा एंड बीटा, ये जो दोनों पोजिशंस हैं, ये आपकी किरेल कार्बन दैट इज सिचुएटेड फादेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन, इन दोनों पे बेस कर रही है। दोनों में ही आपका वो किरेल सेंटर लिया जा रहा है जो आपके कार्बोनिल कार्बन से सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। तो लीनियर पोजिशन में सबसे फादेस्ट जो किरेल सेंटर है उसकी ओ एच पोजिशन आपके साइक्लिक में एनोमेरिक कार्बन में, अगर उसके ओ एच की पोजिशन सेम है तो आप उसे कहेंगे एल्फा, और अगर अपोजिट है तो आप उसे कहेंगे बीटा। आई थिंक ये अब आपका क्लियर हो गया होगा कि अल्फा एंड बीटा पोजीशन हम किस बेस पे इसको कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो रिंग स्ट्रक्चर आपकी बनती है। तो रिंग स्ट्रक्चर आपके दो हम बात करते हैं, एक तो फाइव मेंबर रिंग, एक सिक्स मेंबर रिंग, ठीक है। तो फाइव मेंबर रिंग, सिक्स मेंबर रिंग को हम कहते हैं पायरेनोज, ठीक है, और सिक्स मेंबर रिंग को हम कहते हैं फ्यूरेनोज। दो नाम मैंने लिए हैं, पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज। पायरेनोज सिक्स मेंबर रिंग होती है, सिक्स मेंबर है, ठीक है। इसमें आपके फाइव कार्बन प्लस वन ऑक्सीजन होता है, तो ये सिक्स हो गया। सिक्स मेंबर में आपके फाइव कार्बन एंड वन ऑक्सीजन होता है। फ्यूरेनोज में आपके हम कह रहे हैं फाइव मेंबर रिंग है, यानी यहाँ पे फोर कार्बन प्लस वन ऑक्सीजन होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर को अभी आगे की स्लाइड में साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगी, वहां पे आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो फ्यूरेनोज में आपके आप बात करेंगे फाइव मेंबर रिंग की, और प्यूरेनोज में आप पायरेनोज में आप बात करेंगे सिक्स मेंबर रिंग की। देखिए ये जो ऊपर वाला है, दिस इज द लीनियर फॉर्म एंड दिस इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको हमने जब साइक्लिक जब हमने इसको एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व किया तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में बदल जाता है। यहाँ पे आप एक सी कार्बन देख रहे हैं जिसे हमने कहा है एनामेरिक कार्बन, ठीक है। ये वो कार्बन है जो कि आपके इसके साथ में ये किरेल सेंटर है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इस ये जो कार्बन है इसकी सारी वैलेंसीज जो है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो दिस किरेल कार्बन इज नोन एज एनामेरिक कार्बन। अब यहाँ पे आपके जो OH की पोजीशन है, ये आपके अगर जो फिशर प्रोजेक्शन में OH की पोजीशन है उससे सिमिलर है तो आप इसे क्या कहेंगे, अल्फा। तो हमने इसे क्या कहा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर इसमें OH की पोजीशन आपके जो फिशर प्रोजेक्शन में OH की पोजीशन है उससे अगर डिफर कर रही तो आप इसे क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। पायरेनोज हमने क्यों कहा, क्योंकि ये कैसा है, सिक्स मेंबर रिंग है, फाइव कार्बन प्लस वन ऑक्सीजन। नाउ आई थिंक इट इज मोर क्लियर टू यू कि आप अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज इसमें एक एक लेटर से आप सेटिस्फाइड हो। अल्फा हमने क्यों कहा, डी हमने क्यों कहा, ग्लूको और पायरेनोज, ये सारा मैं आपको बहुत डिटेल में क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको डी क्यों कह रहे हैं तो आप फिशर प्रोजेक्शन को देखिए कि यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज द किरिल सेंटर दैट इज सिचुएटेड फादर्स फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन, और यहाँ पे जो ओ एच की पोजिशन है ये आपके कहाँ है, राइट साइड में है। तो जैसे ही राइट साइड की बात की हमने कहा क्या कहा, इसको डी कहा। नेक्स्ट जो आप हार्वर्ड पोजीशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें ओ एच की पोजीशन और फिशर प्रोजेक्शन में जो ओ एच की पोजीशन है ये सेम है, तो हमने इसे कहा एल्फा। चूंकि ये फाइव सिक्स मेंबर रिंग है, फाइव कार्बन प्लस वन ऑक्सीजन, तो हमने इसे क्या कहा, पायरेनोज। चूंकि ये सिक्स कार्बन था टोटल तो हमने इसे क्या कहा, ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे सिक्स मेंबर है, और एक्चुअल में जो ग्लूकोज है या अदर जो हमने बात की थी सिक्स मेंबर में आपके ग्लूकोज टेक्टोज सॉर्बोज ये सारे शुगर्स थे, तो इनमें सभी में ओ एच की पोजिशन में कुछ कुछ वेरिएशन आते हैं, उसकी बेस पे फिर इनके नॉमनक्लेचर भी अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे हार्वर्ड प्रोजेक्शन दिए हुए हैं, डी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ठीक है। तो फ्यूरेनोज को आप देखेंगे यहाँ पे फाइव मेंबर हैं जिसमें फोर कार्बन प्लस वन ऑक्सीजन है। इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। तो पायरेन रिंग एंड फ्यूरेन रिंग ये दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। जब हम डाइसैकेराइड को स्टडी करते हैं तो हम दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पायरेनोज रिंग फ्रॉम द मोनोसैकेराइड। एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है साइक्लिक, ये आपका कैसा है, हार्वर्थ प्रोजेक्शन है, लेकिन ये हमेशा से लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है इन सॉल्यूशन। एक्चुअली दिस इज प्रेजेंट इन दिस लाइक दिस कन्फर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म,
ये टर्मिनोलॉजीज भी आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म, दीज आर द टू कन्फर्मेशन एक्चुअली, एंड द कन्फर्मेशन आर द स्ट्रक्चर दैट आर दैट कैन बी इंटरचेंज विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। कन्फिग्रेशन की आप जब बात करते हैं तो वहाँ पे आप कहते हैं कि बॉन्ड ब्रेक हुए, एक स्ट्रक्चर थी उसमें कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुए, रीअरेंज हुए और नया स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन कन्फर्मेशन में आप क्या कहते हैं, सिर्फ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है, देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड इज इंक्लूडेड। सो दीज आर द टू कन्फर्मेशंस, बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। एक्चुअल में ये इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं या हम जब अपना क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं इसे, इट्स टाइम टेकिंग है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, बोथ आर द हार्वर्थ प्रोजेक्शंस। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ आपका बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देयर क्लासिफिकेशन एंड मोनोसेक्राइड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सम ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिलेटेड विद द मोनोसेक्राइड्स, डेन डिसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। थैंक यू।